सत श्री अकाल, तुसी देख रहे हो एवी न्यूज़ पंजाबी। मैं प्रहलाद संघेलिया। 7 जनवरी तो चंडीगढ़ मोहाली बॉर्डर ते कौमी इंसाफ मोर्चा चल रहा है अते आए दिन यह कौमी इंसाफ मोर्चा तेजी फड़दा होया दिखाई दे रहा है। कौमी इंसाफ मोर्चा की जे गल की जाए तो लगातार बंदी सिंघा नू रिहा करवाउण दे लई वख वख सिख जथेबंदियां वल्लों संघर्ष किया जा रहा है। उन्हां बंदी सिंघा नू रिहा करवाउण दे लई मंग की जा रही है। बंदी सिंघा नू रिहा करवाउण दे नाल नाल सिख जथेबंदियां वल्लों ये कहा जा रहा है कि बेअदबी दे दोषियों खिलाफ़ सख्त कार्रवाई की जाए। जिहड़े 328 रूप गुरु साहिब दे गायब होए ने उन्हां बारे जानकारी दी जाए अते इस दे नाल बहबल कलां गोलीकांड दे दोषियों खिलाफ़ कार्रवाई करके सिख संगतां नूं इंसाफ दवाया जाए। बंदी सिंघा दी जे गल की जाए तो वैसे तो 20 तो ज़्यादा अजिहे बंदी सिंह ने जिहड़े देश दीआं वख-वख जेलां दे विच अपनी सज़ा कट्टण तों बाद भी नज़रबंद किए हुए ने, पर 9 बंदी सिंह अजिहे ने जिन्हां वल्लों सब तो ज़्यादा जेलां दे विच सज़ा कट्टी गई है अते उन्हां नूं रिहा तक नहीं किया जा रहा। जे गल की जाए तो गुरदीप सिंह खहरा, दविंदरपाल सिंह भुल्लर, बलवंत सिंह राजोआणा, गुरमीत सिंह, लखविंदर सिंह लखा, जगतार सिंह हवारा, जगतार सिंह तारा अते शमशेर सिंह देश दियां वख-वख जेलां दे विच बंद ने। हालांकि दविंदरपाल सिंह भुल्लर जिहड़े ने ओह अमृतसर केंद्रीय जेल दे विच ने अते गुरदीप सिंह खहरा भी केंद्रीय जेल दे विच ने, पर दिमागी संतुलन सही ना होण कारण दविंदरपाल सिंह भुल्लर होना दा अमृतसर दे सरकारी हस्पताल दे विच इलाज चलदा पिया साइकैट्रिस्ट डिपार्टमेंट दे विच। ते 5 जिहड़े बंदी सिंह ने ओह बुड़ैल जेल दे विच बंद ने, चंडीगढ़ दी बुड़ैल जेल दे विच, अते उस दे नाल ही जिहड़े 2 सिंह ने ओह दिल्ली दी जे गल कीती जावे तां तिहाड़ जेल दे विच बंद ने। लगातार इन्हां बंदी सिंघां नूं रिहा करवाउण दे लई मंग तेज़ हुंदी जा रही है। हाल ही दे विच तुसीं देखिया होणा कि 26 जनवरी गणतंत्र दिहाड़े वाले दिन वड्डी गिणती दे विच, हज़ारां दी गिणती दे विच सिख संगतां मोहाली पहुँचदियां ने जिथे यह कौमी इंसाफ मोर्चा लग्या हुंदा है अते उन्हां वल्लों रोस मार्च किया जाता है। उस तो बाद 29 जनवरी नूं अमृतपाल खालसा अपने पूरे जिहड़े उन्हां दे सपोर्टर्स ने जिहड़े उन्हां दे नाल रहिंदे ने, मतलब वड्डी गिणती दे विच उन्हां नाल सिख संगतां हुंदियां ने, ओह भी कौमी इंसाफ मोर्चा दे विच पहुँचदे ने अते उन्हां वल्लों सिखां नूं उन्हां दे विच जोश भरिया जांदा है ते उन्हां नूं दस्या जांदा है कि आखिर इस समय सिख कित्ते खड़े ने, किस तरीके दे नाल चलदा पिया कौमी इंसाफ मोर्चा, किवें सिख संगतां वल्लों उत्थे सेवा की जा रही है, सेवा निभाई जा रही है, किस तरीके दे नाल इह कौमी इंसाफ मोर्चे दे विच कोई शरारती अंसर जिहड़ा अपना कोई वारदात या किसी तरीके दे नाल कोई बयानबाजी अजिही ना दे दवे जिस दे नाल यह कौमी इंसाफ मोर्चे ते कोई सवालिया निशान खड़ा होवे, इस दे लई भी खास ध्यान रख्या जा रहा है। नज़र मारदे हां चंडीगढ़ मोहाली बॉर्डर ते चल रहे कौमी इंसाफ मोर्चे दे उपर। बंदी सिंह जिन्हां नूं उम्र कैद की सज़ा सुनाई जाती है अते जिन्हां बंदी सिंघां वल्लों अपनियां सज़ावां पूरियां कर लईयां गईयां ने उहनां नूं रिहा करवाउण दे लई लगातार वख-वख जथेबंदियां वल्लों संघर्ष किया जा रहा है। यह बंदी सिंह अमृतसर, पटियाला अते दिल्ली दी तिहाड़ जेल दे विच नज़र बंद ने, जबकि दविंदरपाल सिंह भुल्लर होना दा अमृतसर दे सरकारी हस्पताल च दिमाग दा इलाज चल रहा है। बाकी गुरदीप सिंह खहरा, जगतार सिंह हवारा, जगतार सिंह तारा, शमशेर सिंह, लखविंदर सिंह लखा, गुरमीत सिंह, परमजीत सिंह भ्योरा अते बलवंत सिंह राजोआणा दे नां शामिल ने जिन्हां नूं
रिहा करवाउण दे लई इह मंग कीती जा रही है। चंडीगढ़ मोहाली बॉर्डर ते 7 जनवरी तो शुरू होए इंसाफ मोर्चे दे विच देश दे वख-वख सूबियां तो इलावा विदेशां तो भी संगतां पहुँच रही ने अते इस मोर्चे नू मजबूत बनाया जा रहा है। हालांकि दिल्ली दे विच किसान अंदोलन दौरान भी अजिहा कुछ ही देखण नू मिलिया सी। जदों दिल्ली लई किसान जथेबंदियां रवाना होईयां उदों इह अहसास तक नहीं सी होया कि पंजाब ते हरियाणा तो शुरू होया इह काफला इन्ना विराट रूप धारण कर लवेगा अते केंद्र सरकार नू किसानां दीयां मंगां अगे गोडे टेकने पैणगे। हुण जदों कौमी इंसाफ मोर्चा अपनी रफ्तार फड़दा होया दिखाई दे रहा अते लगातार सिख जथेबंदियां वल्लों इह मंग कीती जा रही है कि जदों तक बंदी सिंघां नू रिहा नहीं कीता जांदा उदों तक मोर्चा नहीं चुक्या जाएगा। इस तो एक गल तो साफ नज़र आ रही है कि मोर्चा लम्मा चलन वाला है। हुण तुहानू दसदे आ कि इस मोर्चे दे विच वख-वख थावां ते सेवा निभा रही संगतां दा की कहना अते ओह बंदी सिंघां दी रिहाई दे लई की सोचदे ने। देखो जी मैं आप जी नू कहां अकाली सरकार कांग्रेस सरकार जां बीजेपी सरकार जां साडी आम पार्टी जिहड़ी सरकार है इह जिहड़ा मोर्चा बड़े दिनां तो चल रहा ये नहीं भी किसी सरकार के थ्रू भी अं अकालिया छड़ के ये आम पार्टी चलाया नहीं ये मोर्चा बड़े चिरां दा चल रहा पर जिहड़ियां साडियां पंजाब दियां सरकारां इन्हां नौजवानों नूं बाहर तां नहीं आउण दिंदियां कि जिदन ये नौजवान इस पंजाब की धरती ते आ गए शायद जिहड़ियां सरकारां इन्हां दा पलटा पासा पलट जाए क्योंकि वो जिहड़े नौजवान ने अंदर आण जहेदार भाई जगतार सिंह जी वारा आप जी ने वेख्या जदों उन्हां नूं जहेदार साजिया तकरीबन कोई 10 लाख का कट के जहेदार बनाया गया सी। सरकारां इसे कारण डरदियां भी जे बाहर आ गए तो साडा जिहड़ा गुंडा राज ये बंद हो जाएगा। वाहिगुरू की कृपा है जी गुरु खालसा हमेशा ही कामयाब होया जे भावें वह दिल्ली का मोर्चा हो गुरु खालसे ने फतेह किया किसान भाइयों के नाल मेहनत मजदूर कश लोगों के नाल सस्ताधारी फौज का होना अति जरूरी सीगा। उस विषय के नाल असीं चंडीगढ़ में अज पहुँचे हैं क्योंकि पंथक मोर्चा धर्म का मोर्चा जो साढ़े वीर जेलों में बंद ने उन्होंने छुड़ाने वास्ते हर संभव कोशिश की जाएगी। सरकार की नीति है जी हमेशा सिख धर्म के नाल विद्रोह करना सिख धर्म का ध्रोह करना। होर वेखो संजय दत्त नूं किन्नी बार परोल मिली है साह दिया सौदे वाला हर चौथे महीने परोल ते आउंदा वा पर सिर्फ एक इन्हां लोकां नूं परोल नहीं मिलती क्योंकि इन्हां लोकां तों सरकार अपने आप नूं खतरा महसूस करती है। आ बादल वर्गे परिवार जिहड़े आ कैप्टन वर्गे परिवार नूं कि सोचेगी ये बाहर आ गए तो सोनू कि पुछना पुछगिछ खत्म हो जाणी इन्हां दी उहदे करके सिखां नूं साडियां सरकारां वी नहीं चाहुंदियां कि बाहर आउण। बहुत धन्नवाद है मीडिया का जिहड़ा साढ़े जगह जगह सानूं पहुँचाउंदे साडियां आवाज़ां जांदियां। असीं बंदी सिंघां दी रिहाई वास्ते असीं मोर्चे लाए हैं क्योंकि कई कई साल हो गए ये बेअदबी नंबर दो बेअदबी ते असीं मतलब उन्हां नाल मोर्चा लाया हो बेअदबी कांड करके सी हाँ जी। बाकी साढ़े बंदी सिंघां नूं कई कई साल हो गए जिन्हां दियां सेवावां खत्म हो चुकियां हन ठीक है जी इस करके साढ़े उन्होंने छड्डदे नहीं सरकार इन चाहुंदी है वी इहनूं बाहर रखण साढ़े विच पुआड़े पाउणा चाहुंदी है सरकार। अज बड़ा मन दे विच चा सी कोई उत्थों मैनूं मिल नहीं सी रिहा मैं क्या सरदार जी नूं मैनूं तां लै के चलो मैं तां अज जाणा हैगा फिर असीं ड्राइवर लभिया ड्राइवर दे नाल उहनां नूं उह चल नहीं सकदे बॉकर ते आ उह बजुर्ग ने उह वी उत्थें बैठे आ अज इन्ना मन खुश होया इत्थें आ के मन करदा रोण नूं मन करदा इन्ना प्यार संगत का देख के बीबिया शब्द यहोजे पढ़दियां ने इन्ने बराक वाले पढ़दियां ने इत्थे आ गया अपने आप नूं ऐं लगदा सी किन्ने किन्ने छोटे आ बाबा जी तुहाडे चरणां दी धूड़ भी नहीं बन सकते शुकर आ गुरु का दर्शन कराए संगत दे इह कामयाबियां गुरु तुहानूं जरूर दऊगा जिहड़ी इन्नी संगत का प्यार अरदासां ने इह तुसीं कामयाब होवोंगे फिकर ना करो बिल्कुल भी फिकर ना करो तुहानूं दिसदा ही होगा भी अंदरों आवाज़ आ सानूं तां पता ही नहीं भी पॉलिटिक्स की हुंदी आ सानूं तां अपने गुरु नाल प्यार आ सुनो तो अपने गुरु ग्रंथ साहब का प्यार है साढ़े सिखा का प्यार है सिंघा नाल जिन्हां ने गुरु वास्ते इन्ना कुछ किया छड़नगे फिक्र ना करो तुसीं आ देखो तुसीं आ जिहड़ा प्यार अरदासां ने छड़ाउणा गुरु ने छड़ाउणा असीं कौन आ छड़ाउण वाले गुरु दीआं अरदासां इन्नियां दिलों सवेर तो लैके सारा दिन करदे आ इही हे वाहिगुरू तानो मामा दे पुत्त ने जिहड़े जेलां च बैठे ने असीं रजाइयां च बैठे हाँ बहुत मन बेटा बहुत खराब हुंदा मन पर दुआ करदे ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਬਖਸ਼ੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਏਕਤਾ ਦੀ ਵੀ ਜਿੰਦਾ ਜਾਗਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਧਰਮ ਦੀਆਂ
ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਗਰੀ ਜ਼ਮੀਰ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਵੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਅਤੇ ਇਹ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਜਦ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੱਕਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦੇ ਅਸੀਂ ਸਮਰਥਨ ਵਾਸਤੇ ਉਰੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਤੇ ਜਿੰਨਾ ਸੰਯੋਗ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹੋਊਗਾ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਸ ਆਪਾਂ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਦ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਰੋਂ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਆਪਸੀ ਏਕਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਜੀ, ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸਾਂਝ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਸਾਂਝ ਚੱਲਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਦ ਤੱਕ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਬਹਿਰਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਂਕੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦਰਅਸਲ ਜਦੋਂ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਰੂਟੀਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਤੋਂ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੰਗਰ ਛੱਕ ਕੇ ਇਸ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਜੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਹਾੜੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲਗਭਗ 1 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੰਗਰ ਛਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਡਾਟਾ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਆਂਕੜਾ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਲੰਗਰ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਫਲਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੀ ਤੇਜ਼ੀ ਫੜਦਾ ਹੋਇਆ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਰਿਹਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਇੱਥੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਏਵੀ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਤਰੀਨ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ।